पंजाब पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की सुपुर्दगी की प्रक्रिया पूरी कर यूपी पुलिस को सौंप दिया गया है, जिसके बाद यूपी पुलिस सड़क मार्ग से मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से लेकर बांदा के लिए निकल चुकी है। मुख्तार को यूपी पुलिस की गाड़ियों के लंबे काफिले के साथ एक एम्बुलेंस में ले आया जा रहा है। बता दें कि मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस की टीम ही यूपी लेकर जाएगी। पंजाब पुलिस का कोई जवान साथ में यूपी नहीं जाएगा। पंजाब पुलिस के जवान सिर्फ पंजाब की सीमा में ही मुख्तार की सुरक्षा में रहेंगे। मालूम हो कि अंसारी को रोपड़ से बांदा जेल ले जाने के लिए यूपी से लगभग 100 पुलिसकर्मियों की टीम पंजाब आई है। सभी जवान आधुनिक हथियारों और बुलेट प्रूफ जैकेट से लैस हैं। यूपी पुलिस द्वारा मुख्तार को ले जाने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यूपी के बांदा से पहुंचने वाली टीम में एक DSP, 2 इंस्पेक्टर, 6 ASI, 20 हेड कांस्टेबल, 30 कांस्टेबल, PSC की एक प्लाटून, GPS से लैस वज्र वाहन, 10 पुलिस वाहन, डॉक्टर और एम्बुलेंस शामिल है। सूत्रों के मुताबिक मुख्तार अंसारी की यूपी वापसी के तहत रोपड़ से बांदा तक के रास्ते में आने वाले सभी जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। ऐसे ही तमाम और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए।